Hello everyone, today we are going to start our new chapter, which is chapter number 3, Punjabi Teenager Wins Diana Award. So let us start. Let me read first and explain you later. Among the array of memorial projects dedicated to Diana, Princess of Wales are the Diana Awards which recognize young people who seek to help others. यहाँ पर Diana Awards की बात की जा रही है. तो Diana Awards का नाम Diana कैसे पड़ा, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं. वेल्स की एक प्रिंसेस थी, ठीक है. वेल्स की प्रिंसेस मतलब वेल्स की एक राजकुमारी थी जिनका नाम डियाना था, उन्हीं के नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है, ठीक है. और ये अवार्ड किसको दिया जाता है, जो यंगस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो टीनेजर्स होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है. ऐसे यंगस्टर जो लोगों की हेल्प करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है. वन ऑफ द लेटेस्ट रिसिपियंट इज़ कमलप्रीत कौर औलख 16 फ्रॉम लीस्टर इन द इंग्लिश मिडलैंड्स, हु हैज़ डेडिकेटेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम एफर्ट एंड कंपैशन इन वॉलंटरी सर्विंग पीपल ऑफ हर कम्युनिटी. ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द डियाना अवार्ड सेड. अब जो लेटेस्ट रिसिपियंट थी, मतलब इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया से ये अवार्ड किसको मिला है, कमलप्रीत कौर औलख को मिला है, ठीक है. ये 16 इयर्स की थी जब इनको ये अवार्ड मिला, ठीक है. और ये कहाँ से ये हैं, लीस्टर से, इंग्लिश मिडलैंड से, ठीक है. और अगर इनसे पूछा जाए, जो वॉलंटियर्स हैं वहाँ के, जो डियाना अवार्ड के ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनसे पूछा गया कि इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया, तो उन्होंने बताया कि इन्होंने अपना बहुत सारा समय और इन्होंने बहुत प्रयास किया है लोगों की मदद करने का, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है. और इस अवार्ड के लिए अगर ये पूछा जाए कि इनको नॉमिनेट किसने किया था, तो इस अवार्ड के लिए इनको नॉमिनेट किया था मंजुला सूद ने. मंजुला सूद अब कौन है, ये पहली ब्रिटिश इंडियन है, ठीक है, जो कि लीस्टर की मेयर बनी थी, या फिर ये भी कह सकते हैं पहली एशियन वुमेन जो कि लीस्टर की मेयर बनी थी, ठीक है. इन्होंने यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, पहली ब्रिटिश इंडियन वुमेन है जो कि लीस्टर की मेयर बनी थी, और इन्होंने ही कमलप्रीत कौर को नॉमिनेट किया था इस अवार्ड के लिए, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं. सूद प्रेजेंटेड कमलप्रीत विथ हर अवार्ड रिसेंटली एट अ सेरेमनी इन द मेयर्स ऑफिस इन लीस्टर. शी इज़ अ फैंटेस्टिक रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन टू अदर्स इन द कम्युनिटी. अब ये जो मंजुला सूद हैं, इन्होंने कमलप्रीत को ये अवार्ड दिया था, ठीक है, अपने ऑफिस में बुलाकर, एट द मेयर्स ऑफिस इन लीस्टर. यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अपने ऑफिस में, जो लीस्टर में उनका ऑफिस था, मेयर्स ऑफिस था, वहाँ पर बुलाकर इनको ये अवार्ड दिया था, ठीक है. वो कहती हैं कि ये कमलप्रीत कौर जो हैं, ये एक रोल मॉडल हैं लोगों के लिए, एक इंस्पिरेशन है, ठीक है. जो कम्युनिटी है उनको एक अपना इंस्पिरेशन मानती है, अपना रोल मॉडल मानती है कि ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे हमको भी बनना है, ठीक है. आई एम डिलाइटेड दैट शी हैज़ बीन पब्लिकली रिकोगनाइज फॉर अर वर्क एंड वॉलंटियरिंग वर्क. उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हुई ये जानकर कि इनको लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं और ये अपने वर्क के लिए इतना ज़्यादा पसंद की जाती हैं, ठीक है. कमलप्रीत हुज फैमिली ओरिजिनली केम फ्रॉम पंजाब हैज़ बीन वर्किंग एज अ वॉलंटियर सिंस शी वॉज 11. कमलप्रीत की जो फैमिली थी, ठीक है, वो पंजाब से बिलोंग करती थी और वो एज अ वॉलंटियर वर्क कर रही हैं जब से वो 11 साल की थी. और उनकी फैमिली भी थी, उनकी फैमिली जो है वो भी एज अ वॉलंटियर ही वर्क करती आई है. वॉलंटियर मतलब सोशली लोगों की हेल्प करना, ठीक है. उनकी फैमिली भी नीडी पर्सन्स की हेल्प करती थी, सेम उन्होंने अपनी फैमिली से ये चीज़ सीखी है, और वो भी नीडी लोगों की मदद करती थी जब से, मतलब वो 11 साल की थी तब से वो लोगों की हेल्प किया करती थी, ठीक है. इंस्पायर्ड टू हेल्प अदर्स पार्टली बाय द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर फ्रॉम कैंसर, शी इज़ फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ हर मदर हु लॉन्च्ड कमलप्रीत करियर एज अ वॉलंटियर बाय टेकिंग हर अलॉन्ग टू हेल्प ब्लाइंड पीपल अ स्पोक्स वुमेन फॉर द डियाना अवार्ड. अब अगर ये पूछा जाए कि उनको ये काम करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, तो उनको ये काम करने की इंस्पिरेशन अपनी ग्रैंड मदर की डेथ से मिली. जब उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई तब से उन्होंने अपना ये, उनको वो उस चीज़ से मतलब इंस्पायर थी अपनी ग्रैंड मदर से, ठीक है. उनकी ग्रैंड मदर की डेथ जो थी वो कैंसर से हुई थी और वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती थी, ठीक है, उन्हीं से ये इंस्पायर्ड हुई. उसके अलावा ये अपनी मदर से भी बहुत इंस्पायर्ड थी, ठीक है.
उनकी मदर जो थी वो ब्लाइंड लोगों की बहुत हेल्प करती थी, ठीक है, एक स्पोक्स वुमेन थी वो, इसीलिए उन्होंने और उनकी मदर ने ही डियान इनको कमलप्रीत को उनकी मदर ने ही लॉन्च किया था, उनकी मदर ने ही मोटिवेट किया था कि तुम भी हमारे जैसा काम करो, तुम भी एज अ वॉलंटियर जो है वर्क करो, लोगों की हेल्प करो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अब हम इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।